नमस्कार दोस्तों दोस्तों, माय लाइफ माय योग। तो योग की कुछ मुद्राएं हैं और एक प्राणायाम है जिसके द्वारा मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आया, तो मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो शांभवी मुद्रा है, इसमें हम दोनों अपनी जो आई बॉल्स हैं इसको यहाँ पर बीच में जो पॉइंट होता है जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पर फिक्स करना होता है, इसको शांभवी मुद्रा बोलते हैं। ये मैं करता हूँ डेली 20 मिनट। अगर आप इसको डेली करेंगे तो आप पैरासिम्पैथिक मोड में पहुँच जाएंगे और आपकी बॉडी हीलिंग मोड में आ जाएगी। फोकस, कंसंट्रेशन, क्लियरिटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस इसको कुछ नहीं करना है, आई बॉल्स को यहाँ पर लगाना है। तो एक तो ये मैं करता हूँ नियमित रूप से और इससे मुझको अनंत लाभ हुआ है अगर मैं कहना चाहूँगा। दूसरा खेचरी मुद्रा है दोस्तों। खेचरी मुद्रा में क्या है, ये जो आपकी ये हाथ है, टंग जो है उसको ऐसे करना है, जीभ आपकी, ये जीभ हमारी हिलती रहती है तो हमको आप हाथ से समझ सकते हैं इसको, इस तरीके से इसको ऊपर जो तालू होता है, पैलेट जिसको बोलते हैं, वहां पर आपको ऐसे रखना है और ये हिलनी नहीं चाहिए जीभ, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। इसके भी अनंत लाभ हैं। इस तरीके से उसको फोल्ड करके आप ऊपर हमेशा रखें, जितना आप रख सकते हैं। इससे आपको क्या लाभ होगा मैं सब आपको शब्दों में नहीं बता सकता, अनंत लाभ होगा। और तीसरा जो है वो चंद्रवेदी प्राणायाम है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन फोकस के लिए। दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और फिर सांस लें और फिर छोड़ दें, या फिर आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें रहें। ये चंद्रवेदी प्राणायाम होता है। हमारे दो स्वर होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट चंद्र स्वर, राइट सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर। तो चंद्रवेदी प्राणायाम जो है वो विद्यार्थियों के लिए फोकस बढ़ाने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं करता हूँ, आप भी करिए, और इसको संध्या के समय अवश्य करिए, क्योंकि संध्या के समय में हमारा जो लेफ्ट सिस्टम और राइट सिस्टम है वो बैलेंस में रहता है। ठीक है, तो चंद्रवेधी प्राणायाम आपको अगर समझ नहीं आया तो आप बस अपना राइट नॉस्ट्रल बंद कर लो, कुछ मत करो, लेफ्ट से सांस लेते रहो, एक्सहेल इनहेल कुछ मत करो, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, बस और आपको कुछ नहीं करना है, ये चंद्रवेधी प्राणायाम का सरल तरीका है। तो एक ये चंद्रवेधी प्राणायाम और ये शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा, इन तीनों से मुझे अपने जीवन में जो लाभ मिला है वो अनंत है, और आप भी इसको करके देखें और अनंत लाभ उठाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जो तीनों क्रियाएं मैंने बताई हैं ये अवश्य ही लाभ पहुंचाएंगी। धन्यवाद।